हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑर्निंग का लास्ट में चल रहे हैं। कल हम लोग गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। आइए हम लोग फर्टिलाइजेशन शुरू करते हैं। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम एम्फीमिक्सिस और तीसरा नाम सिनगैमी भी है। फर्टिलाइजेशन में हम लोग देख लिए थे मेल गैमिट फीमेल गैमिट बन जाएगा गैमेटोजेनेसिस में। उसके बाद हम लोग वो गैमिट ट्रांसफर हुआ। गैमिट जब ट्रांसफर होगा तो मेल और फीमेल गैमिट एक साथ आ जाएंगे, दोनों फ्यूज कर जाएंगे, उसी को तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एम्फी का मतलब होता है बोथ और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्स हो जाना। एम्फी बोथ मिक्सिस मिक्स हो जाना, मेल और फीमेल गैमेट का मिक्स हो जाना एम्फीमिक्सिस कहलाता है, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। सिन का मतलब होता है जुड़ना, तो गैमी सिन गैमी मतलब कि दोनों गैमेट जुड़ गए, इसलिए इसका दूसरा नाम एम्फीमिक्सिस भी है और सिनगैमी भी है। ठीक है, यह तो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बताए थे हम ये दो तरह का है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि मेल भी अपना गैमेट बाहर निकाल देगा, फीमेल भी अपनी गैमेट बाहर निकाल देगी और इस तरह दोनों गैमेट फ्यूज करेगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। वो इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, पूरा एम्फीबिया ग्रुप, फिशेज। ठीक है, दूसरा देखे थे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल हायर एनिमल्स, इसमें हम लोग भी हैं, प्लांट में ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, एंड
एंजियोस्पर्म सब 11th का ये है, सब इस सब के बारे में आपने 11th पढ़े हुएगा। जिम्नोस्पर्म्स ये सब जो है ना, इस सब में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, मेल गैमिट मोटाइल फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल तो गैमिट ट्रांसफर में आप लोगों को बताए थे कि ब्रायोफाइट अलगी ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा वाटर गैमिट ट्रांसफर बाई वाटर गैमिट ट्रांसफर बाई वाटर। लेकिन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स ये दोनों में मेल एंड फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, वो नहीं चलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि ट्रांसफर भाई गैमिट मेल गैमिट मेल गैमिट रिचेज टू फीमेल गैमिट बाय एक्ट ऑफ पोलिनेशन पोलिनेशन की क्रिया द्वारा पहुंचते हैं। इसको ऊपर लिखने दीजिए, ऐसा नहीं हो कि ये कट जाए कहीं। इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म मेल गैमिट रिचेज टू फीमेल गैमिट बाय द एक्ट ऑफ फर्टिल बाय द एक्ट ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन चैप्टर हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे अगला चैप्टर में ना, तो ये पोलिनेशन द्वारा पहुंच जाती है।
इस तरह हम लोग यहाँ फर्टिलाइजेशन के बारे में देखे। फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को कहते हैं। हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में देखे थे कि मेल गैमेट, गैमेट और का फॉर्मेशन और फिर गैमेट का ट्रांसफर। अब दोनों गैमेट जब एक साथ आ जाएगा तब तो वो गैमेट दोनों फ्यूज करेंगे, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एम्फी मिक्सिस भी नाम है, चूँकि दोनों गैमेट एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। सिन गैमी भी नाम है, सिन माने जुड़ना, ये दोनों गैमेट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन दो तरह का, बॉडी के बाहर और बॉडी के भीतर। बॉडी के बाहर फ्रॉग और फिशेज में होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के भीतर होगा, हायर एनिमल्स जिसमें मनुष्य भी है, ब्रायोफाइट, टेरियोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। प्रॉब्लम यहाँ है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिसका मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पर लिखना भूल गए हम लोग। इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म बोथ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, बोथ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों नहीं चलते हैं। वहाँ क्या होता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुँचेगा बाय पोलिनेशन। अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये रहा फर्टिलाइजेशन के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट बात और हम लोग देखें यहाँ पर। इन वर्कर्स हॉनी बी रोटीफर्स सम लिजार्ड्स, इन तीनों में है ना नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया बिल्कुल होती ही नहीं है ना। यहाँ पर एग ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है, एग ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है, डेवलप्स इनटू ऑर्गेनिज्म। इस क्रिया को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन हम लोग समाप्त कर लिए है ना। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर फ्यूजन है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में दो में बताए थे कि मेल और फीमेल गैमेट, बाकी भी तो मेल गैमेट मोटाइल और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, लेकिन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, और ये एक दूसरे के पास पोलिनेशन द्वारा पहुंचते हैं। ये रहा फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स
पोस्ट मतलब होता है बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है, इसको हम लोग दो भागों में बांट दिए थे। पहला है जायगोट और दूसरा है एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रो। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब एम्ब्रो फॉर्मेशन, जायगोट डेवलप कर जाता है एम्ब्रो में। फर्टिलाइजेशन के बाद ये दो घटना होती है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर उसके बाद एम्ब्रो का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब इसका डिटेल हम लोग देखें। सबसे बड़ी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये क्वेश्चन रहता है, जायगोट लिंक्स द टू जेनरेशन, दो जेनरेशन को जोड़ता है। ये कैसे? सपोज कीजिए कोई मेल है, ह्यूमन में ही ये 44 क्रोमोसोम रखे हुआ है प्लस एक्स वाई, और एक्स एक्स, ये फीमेल और ये मेल हो गया, गैमिट बनेगा 22 प्लस एक्स या वाई कुछ भी रहेगा, इसमें रहेगा 22 प्लस एक्स एक्स रहेगा, दोनों फ्यूज करेगा, ये जायगोट बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स, ये गैमिट हो गया, ये पेरेंट्स हो गए, ये गैमिट्स हो गया, ये जायगोट हो गया। यही ना जायगोट है, अब ये जायगोट एम्ब्रो में डेवलप करेगा और ये एम्ब्रो यंग वन बन जाएगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो एक जनरेशन जो ये था उसको दूसरा जनरेशन से जोड़ने वाला कौन है? ये जायगोट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जायगोट जो होता है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जोड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जायगोट इज फॉर्म्ड, एक इम्पोर्टेंट बात ये हो गया, लिंक्स जोड़ता है, जायगोट इज फॉर्म्ड ओनली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म्स। जिस जीव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसी में जायगोट का फॉर्मेशन होगा, ये दूसरी बात। और तीसरी बात होगी इसकी, इन अल्गी एंड फंजाई, ये भी क्वेश्चन है, इन अल्गी एंड फंजाई जायगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस, बाकी कहीं नहीं, जायगोट हमेशा माइटोसिस द्वारा डिवाइड करता है, लेकिन अल्गी और फंजाई में
ये डिवाइड करेगा माइटोसिस द्वारा मियोसिस द्वारा, ठीक है। अब एक और बात इसमें है, इसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस को आगे अभी ले चले हम लोग, यहीं पर देखें हम लोग जायगोट के और बारे में। ये जो जायगोट होता है, ये जायगोट वो दो तरह का हो गया, एक्सटर्नल जायगोट और दूसरा हो जाएगा इंटरनल जायगोट। बॉडी के अंदर जहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इंटरनल जायगोट बनेगा, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एक्सटर्नल जायगोट। समझ में आ रही है? बॉडी के बाहर एम्फीबिया में या फ्रॉग में फिशेज में बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट भी एक्सटर्नल बनेगा, बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये जो है ना, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना वो लेस चांसेज ऑफ सर्वाइवल, नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। फ्रॉग अपना एग दे दिया, स्पर्म में दे दिया, फर्टिलाइज हो गया, दूसरी मछली दूसरा कोई जीव आया उसको खा गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। और इसमें जो ऑफ स्प्रिंग बहुत बनेंगे उसमें से बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग दूसरा जीव उसको खा जाएगा, सर्वाइव नहीं करेगा। दूसरी बात है अब एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रो का फॉर्मेशन। तो पहली बात इसमें देखा जाए, एम्ब्रो इज फॉर्म्ड इन सभी जीवों में, एम्ब्रो नहीं बनता है, अल्गी फंजाई में तो बता ही दिए एम्ब्रो नहीं बनेगा उसमें, है ना। ब्रायोफाइट्स से शुरू होता है एम्ब्रो का फॉर्मेशन, टेडोफाइट्स में एम्ब्रो का फॉर्मेशन, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रो का फॉर्मेशन होगा और जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रो का फॉर्मेशन होगा। और हायर एनिमल्स जैसे हम लोग हैं में एम्ब्रो का फॉर्मेशन होगा, बाकी जगह एम्ब्रो का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक बात ये हो गई। अब एम्ब्रो का जो फॉर्मेशन होगा है ना, तो उसको भी हम लोग दो भागों में बांटे थे, है ना, ओविपेरी एम्ब्रो, एम्ब्रो इज फॉर्म्ड, एम्ब्रो का निर्माण होगा इन एग, मतलब आउटसाइड द बॉडी, एग लेइंग एनिमल्स में पाया जाता है, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बर्ड्स, रेप्टाइल्स, यहां पर भी लिखना पड़ेगा हम लोगों को नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। मुर्गी अंडा देती है, हम ही लोग खा जाते हैं उसको,
लेस चांसेज ऑफ सर्वाइवल। इसमें से बहुत सारे एक्स जो होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं। हो गई बात। भी पेरी प्रोडक्शन ऑफ यंग वन, जो जीव बच्चे पैदा करे भी पेरी है ना, कहाँ देखा जाता है ये भी पेरी है ना। तो भी पेरी मैमल्स में देखा जाता है, है? ओ भी पेरी बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में है ना। ओ भी बर्ड्स रेप्टाइल्स फ्रॉग, इसका और भी दो एग्जांपल हो सकता है, एम्फीबिया फ्रॉग फिशेज, इसमें भी पाया जाता है और ये मैमल्स में पाया जाता है, है ना। तो ये मैमल्स में, और ये देखिए यहाँ एक होगा वहाँ कैलकेरियस, एक के ऊपर उसका कवर लगा रहता है, कैलकेरियस स्पॉट, कैलकेरियस कवर कैल्शियम का बना होता है जो उसकी रक्षा करता है, लेकिन उससे भी उसकी ज़्यादा रक्षा नहीं हो पाती है। आप खुद समझ रहे हैं कि एक तो हम ही लोग खा जाते हैं बहुत, है ना। तो ये मैमल्स में भी पेरी ये गुड थिंग बच्चा मदर के अंदर ही ग्रो करेगा, सेफ रहेगा, मोर चांसेज ऑफ सर्वाइवल। इसमें सर्वाइवल के बहुत चांस है, आप समझ रहे हैं। ह्यूमन बेबी कितनी रक्षा माँ के अंदर बहुत दिनों तक रहता है, फिर बाहर निकलता है तो उसकी कितनी रक्षा होती है, वो पहले ही से ऑलरेडी डेवलप रहता है ना। तो इस तरह हम लोग अब ये पूरा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ख़त्म कर लिए जी, कुछ भी बाकी नहीं है। बहुत अच्छी तरह हम देखें इसको, और आप लोगों का काम है बस वीडियो देखिए, कॉपी बनाकर नोट कर सकते हैं, 80% तक तो ऐसे ही समझ में आ जाती है, 10-20% बचता है तो थोड़ा सा एक बार देख लेने पर समझ में आ जाती है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप नोट जो बनाइए उसको बैठ कर याद मत कीजिए। आप कहिएगा ये क्या कह रहे हैं कि नोट याद नहीं होगा तो कैसे क्या होगा, कभी नोट याद मत कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए। जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा क्वेश्चन अपने आप बनेगा। आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत क्लियर हो जाएगा। सीधे कोई ऑब्जेक्टिव बुक रखिए जो एनसीईआरटी पर आधारित हो और उस क्वेश्चन पर अटैक कीजिए। क्वेश्चन नहीं बनेगा, कॉपी बार बार उलटिएगा, वीडियो बार बार देखिएगा, अपने आप क्वेश्चन बनने लगेगा। जब क्वेश्चन बन जाएगा तब वो कॉपी पूरी तरह 100% नहीं, 100% से ज़्यादा कहेंगे हम, वो याद हो जाएगी कॉपी। नहीं समझ में आया? सीधे अटैक करना है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जब बनेगा तो कॉपी में से आप बार बार कॉपी उलट कर देखिएगा, अपने आप पूरी कॉपी याद हो जाएगी। आप सोचिएगा पहले कॉपी याद कर लेंगे क्वेश्चन बनाएंगे, ना कॉपी याद होगी ना क्वेश्चन बनेगा। पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो गया है, कुछ ज़्यादा कुछ कम, कॉपी एक आध बार रिवाइज कर सकते हैं। सीधे क्वेश्चन पे अटैक,
क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, कॉपी बार बार उलटिएगा, कॉपी का एक एक वर्ड याद हो जाए। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, दो किताब रखिए, एक एनसीईआरटी की बुक रखिए और कोई एक अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक जिसमें आप एमसीक्यूज वाला बुक, और उसी को दिन रात पढ़िए। एनसीईआरटी को इतना पढ़िए कि उसका लाइन बाय लाइन याद हो जाए। एक बात जो कह देते हैं उस बात को दिमाग में रखिए, हम एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। थोड़ा सा बाहर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो जाना पड़ता है, फिर लौट के वहीं आ जाएंगे। क्योंकि आपको हमको अभी विद्वान तो नहीं बनाना है। ये फर्टिलाइजेशन चैप्टर आप आगे जाइएगा बीएससी में तो एक फुल क्वेश्चन रहता है, तीन चार घंटे का इम्तहान एमएससी में होगा, तो आपको ये क्वेश्चन उसमें लिखना रहता है। तो आपको विद्वान बने जिससे पूरा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के हिसाब से आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए। फिर आगे पहला एम है आपका कि हम डॉक्टर बन जाएं। तो आपको डॉक्टर बनना है तो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही घूमते रहिए, फालतू की व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड हमेशा याद रखिए। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना चाहिए हमको, फालतू क्यों पढ़ेंगे हम जब इसका क्वेश्चन इम्तहान में नहीं आएगा। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन एनिमल में जाएगा, डॉक्टर बनिएगा तो पढ़िएगा दुनिया भर का, है ना। तो फिर अभी उसमें विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, हम भी एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही रहेंगे, ज़्यादा मैटर नहीं देंगे ताकि आप लोग उसमें कन्फ्यूजन नहीं मत हो जाए। और आप लोग भी वही काम कीजिए, हमेशा एनसीईआरटी पर देखिए, उसका एक एक लाइन ऐसा कीजिए कि एक एक लाइन याद हो जाए, सारा क्वेश्चन उसी से तोड़फोड़ को बनता है। एक एक लाइन की बात नहीं, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। आप एनसीईआरटी को पूरी तरह पढ़िए और हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी पूरी तरह, एक एक लाइन समझ में आएगा। आप आज शुरू कर दीजिए एनसीईआरटी रिपोर्ट ऑफ सीनियरिटी पढ़िए, देखिए कैसे नहीं समझ में आ रहा है। मेरे नोट वीडियो देखिए, नोट बनाइए पढ़िए, या नोट मत बनाइए वीडियो देखिए पढ़िए, जैसा भी करना हो कीजिए, लेकिन एमसीक्यूज बनाइए। बोर्ड के एग्जाम में भी 50% एमसीक्यूज लगभग आ गया है अब, और वो इम्तहान तो जो नीट का एग्जाम होगा उसमें एक दूसरा रहेगा नहीं, खाली एमसीक्यूज रहेंगे। इस तरह आप अपने को संभालिए, आगे बढ़िए, टारगेट फिक्स कीजिए, टारगेट की ओर बढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, हम फिर आएंगे इसका क्वेश्चन लेकर अगला वीडियो में। थैंक यू।